अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमने सोचा है कि हम चना चाट बनाएंगे। तो चना चाट बनाने की रेसिपी हम आपके साथ भी शेयर करते हैं। चने जो हैं वो रात को ही भिगो दिए थे, क्योंकि आज इरादा था चना चाट बनाने का। तो हम चने जो हैं उनको गलने के लिए रखते हैं चूल्हे पर, क्योंकि आप कुकर का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा गलने के लिए। तो चलें, चने रखते हैं गलने के लिए और बाकी चीज़ें जो हैं वो भी तैयार करते हैं। चाट बनाने के लिए हमने ये खट्टी इमली ली है, तो इसलिए हम भगो देंगे, क्योंकि हमेशा खट्टी इमली जो है उसको पका कर इस्तेमाल करें, गला ख़राब नहीं होता। तो इस वजह से हम इसे पकाएँगे। सारी नहीं हम डाल रहे हैं, आधी जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। ये जो है ये इनाफ हो, इसमें हम पानी डालेंगे, क्योंकि इसने पकना है तो पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा, इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा भी हो तो मसला नहीं। और इसके अंदर अब हम डालेंगे मिर्च, हाफ टी स्पून जितनी है, क्योंकि इसमें चाट मसाला जाएगा चाट, तो इस वजह से ये सिर्फ इतना ही काफ़ी होगा। और नमक हाफ टी स्पून, क्योंकि चाट मसाले में भी होगा तो ज़्यादा ना हो जाए। और इसमें जाएगा काला नमक, काला नमक बस थोड़ा, सॉरी काली मिर्च है, काला नमक थोड़ा सा जाएगा सिर्फ इसके अंदर, ये पिंक से कलर का जो है ये तकरीबन 1/4 टीस्पून बस। ज़ीरा पाउडर, ये ड्राई रोस्ट करके इसको पीसा हुआ है ये भी, और जो धनिया का पाउडर है वो भी ड्राई रोस्ट करके फिर उसे पीसा हुआ है, ये दोनों थोड़े थोड़े से जाएंगे इनके 1 टीस्पून से भी कम, क्योंकि चाट की क्वांटिटी कम है, जो इमली बना रहे हैं वो कम है, तो इसलिए सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी जाएंगी। अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। अब हम चाट बनाना शुरू करते हैं। पॉट में, पॉट को खुला हो तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले हम इसके अंदर चने डाल लेंगे, आलू, सब कुछ से बारीक बारीक काट लेंगे। अब इसमें जाएगा ये इमली का गूदा, इसको हमने छान लिया अच्छे से बारीक छलनी के साथ, थोड़ी सी हम बचा लेंगे चाके, दोबारा डाल लेंगे अगर ज़रूरत महसूस हुई तो। और चाट मसाला ये जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून, ये 1 टीस्पून भर के लिया है, क्योंकि थोड़ी सी हमने कुटी हुई लाल मिर्च उसके अंदर भी डाली थी, इमली के अंदर भी और हरी मिर्च भी है, इसलिए हमने इतनी ही डाली है। हम चख कर दोबारा इसमें डाल लेंगे, थोड़े से चने कम लग रहे हैं वो हम और डाल लेंगे, सब्ज़ धनिया हो तो वो भी डाल लें, बहुत अच्छा लगता है। हमारे पास फ्रेश नहीं है, फ्रोज़न है, तो फ्रोज़न जो है वो इसमें अच्छा नहीं लगेगा, तो ये डालिए। अब इसके ऊपर पापड़ी जो है वो हम थोड़ी सी डाल लेंगे, पापड़ी जो हमने घर में ही तैयार की है, ये जब हमने समोसे बनाए थे तो उसमें से कुछ जो था वो बच गए थे, तो इसलिए हमने पापड़ी बना। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। शुक्रिया।